ओ ये क्या लड़का डरता ही नहीं है यार। अरे बाप रे। How is it? You wanna be a pilot? ये जो आप देख रहे हो ये स्कैनर, ये स्कैनर का आपको अगर याद हो बहुत टाइम से मेरे को प्रॉब्लम रहा ही रहा है। हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? तो जैसे मैं बता रहा था ये जो स्कैनर का ना मेरे को हमेशा से प्रॉब्लम रहा ही रहा है। आई थिंक आपको अगर याद हो पिछले किसी एक वीडियो में मैंने बताया था मैं ऑलमोस्ट 5 मिनट खड़ा था लास्ट टाइम। आज सुबह भी यही हुआ, जब मैं जिम आया ना तो ऑलमोस्ट 3-4 मिनट तो मैं खड़ा ही था क्योंकि कोई आ भी नहीं रहा था, मेरा कार्ड स्कैन भी नहीं हो रहा था। तो अभी निकलते वक्त मैंने ना इनको बोला कि मेरे कार्ड में शायद कोई प्रॉब्लम है, कैन यू प्लीज़ चेक। उन्होंने चेक किया और उन्होंने नया कार्ड दे दिया। तो अभी होपफुली कोई इशू नहीं होना चाहिए कल से सुबह जब जिम आना होगा मेरे को। वैसे मैं ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद आज जिम आया हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि देखो पिछला पूरा हफ्ता जो था हमारा गया दिवाली में, उसके बाद हमारा था हैलोवीन, उसके बाद भाई दूज, इतने सारे फंक्शन, इतने सारे सेलिब्रेशन चल रहा था तो थोड़ा बहुत जंक खाना भी हो रहा था। मीठा वैसे हमने बहुत ही कम खाया, इनफैक्ट हमने एक ही डब्बा मिठाई का लाया था, वो हमने दोनों दिन चलाया। हमने दिवाली के दिन पे भी 4 पीस खाए, वो वाइट चमचम था। फिर हमने भाई दूज के दिन पे भी वही, क्योंकि 1-2 दिन के बाद ही था, फ्रिज में रखी हुई थी मिठाई, तो वही हमने 4 पीस। फिर अगले दिन चारों ने मिलकर सबने 1-1 पीस खाया। तो आई वाज लाइक चलो एटलीस्ट ये अच्छा था कि मीठा कम खाया, हाँ थोड़ा बहुत लेकिन जंक प्रोटीन थोड़ा लाइन पे नहीं था, बट कोई बात नहीं उसको सुधारेंगे। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। क्या बात है, देखो भाई घर आओ एंड बीवी जगी हुई मिले तो आंखों को कितना अच्छा लगता है पता है। वैसे मेरे को वो भी अच्छा लगता है जब मैं तुमको एकदम आके प्यार से उठाता हूँ और बच्चों को उठा, कैसे टूटू अभी भी सो रही है, टूटू को जाके उठाऊंगा मैं। और दूसरी चीज ये घर आने पर ये जो हल्का हल्का आवाज से बज रहा है ना एक ओंकार, आई एम नॉट श्योर देखो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है आवाज, आई डोंट नो आपको आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट वो जो हल्की हल्की आवाज में से बज रहा है ना इतना पॉजिटिव लगता है ना सुबह सुबह, ऐसा लगता है कि यार कितना अच्छा दिन शुरू हुआ है, भगवान का नाम लेके दिन शुरू हो रहा है। एब्सोल्युटली द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। मेरा काम ही यही है, ट्यूजडे वेडनेसडे ऑफिस जाना होता है तो मैं सबसे पहले उठती हूँ, 7:15 तक उठ गई थी आज भी। नीचे आते मैं लाइट भी बाद में ऑन करती हूँ, पहले बोलती हूँ भाई बंद लगाओ, तो शुरू करती हूँ हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, एक ओंकार, लाइक सब लाइन से चलता है। इट फील्स लाइक सुबह सुबह अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी चली गई ना तो लाइक इट्स लाइक आपका दिन सफल हो गया। एब्सोल्युटली ट्रू, इनफैक्ट मैंने आज से शुरू किया मैंने भी कि यार मैं सोचा था मैं इतना पॉडकास्ट सुनता हूँ बाकी लोगों को सुनता हूँ क्यों ना मैं हमारी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानूँ। अब मेरा ना नॉलेज अबाउट भागवत गीता, अबाउट महाभारत, अबाउट रामायण बहुत ज़्यादा वीक है। बचपन में हम लोगों को घर में दिखाया जाता था लेकिन मेरे को ना इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। और वैसे मेरे को ये आइडिया आया देव से, आंचल जो है वो पढ़ रही है भागवत गीता, मैंने कहा मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मैं जब हम लोग अभी देव को मिले थे लास्ट ये वीकेंड पे पार्टी करने के लिए तो उसने बताया कि वो सुनता है, मैंने कहा हाँ यार ये भी अच्छा ऑप्शन है। तो आज मैंने पहला अध्याय सुना एंड एब्सोल्युटली इतना ब्यूटीफुल था वो पहला अध्याय जहाँ पर दे आर सेटिंग द ग्राउंड कि किस तरह से लड़ाई हो रही थी वगैरह वगैरह। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बट मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी शुरू किया ये सुनना तो मुझे एब्सोल्युटली अच्छा लग रहा है इस स्पिरिचुअल जर्नी पे जो मैं और आंचल जा रहे हैं। तो उसी पे आंचल बोल रही थी शायद क्या पता जल्दी ऐसा टाइम आए कि मैं चिकन छोड़ दूँ। यू नेवर नो हम लोग छोड़ते हैं, अगर इट्स लाइक अगर पेरेंट्स नहीं खाएंगे तो बच्चों को तो वैसे ही नहीं मिलेगा, तो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं थी। आई मीन बच्चों को तो ना जो मिले ठीक है, खैर इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू इंबाइब टू योर इन योर किड्स, तो बस देखो क्या होता है आगे आगे। आई नो अभी सोच रहे हैं अभी कुछ श्योर नहीं है, बट लेकिन हमने कहा चलो आपको बता देते हैं। फिर भी यहाँ पर टूटू का लंच बॉक्स रेडी हो गया है, यहाँ पर आंचल का लंच बॉक्स रेडी हो गया है। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, आज आंचल लंच बॉक्स में ले जा रही है सैलेड हर बार की तरह। यहाँ पर टूटू की बैग रेडी है, यहाँ पर टूटू रेडी है, सिर्फ एक चीज बची हुई है वो है इसके बाल बनाना जो मुझे अच्छे से आते नहीं है। और आंचल गई हुई है नहाने के लिए क्योंकि उसको जाना है ऑफिस, हम लोग वेट कर रहे हैं आंचल का कि वो बाहर निकले नहा के उसका हो जाए, उसके बाद वो टूटू के बाल बांधेगी और मैं टूटू को ले जाऊंगा। अभी का टाइम हुआ है 9:10, सो हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। हाँ चलो चलो मम्मा आगे भागो भागो। हाय टिक्की, गुड मॉर्निंग टिक्की, उसका मूड ही नहीं है। हो गई टूटू रेडी, इसकी 2 चोटी बना दी मम्मा ने एंड हम लोग सॉलिड लेट है भाई। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागो भागो, सॉलिड लेट है। अभी 9:18 हो गया है एंड वहां पर कोई बच्चा नहीं है। देखो I'm not sure आपको दिख रहा है या नहीं, let me move the car a little आगे। ओ देखो टूटू भागते हुए जा रही है, पता नहीं क्यों रोने लग गया। जैसे दीदी भागी है वैसे टूटू जो है वो पहुंच गई स्कूल टाइम पे, यहीं के गेट से चले गए which was a good thing। वो लोग आई थिंक आजकल लेट बंद करते हैं गेट, 2-4 मिनट लेट बंद करते हैं। क्या हो गया आपको? उसको दीदी चाहिए, आपको दीदी चाहिए, यू वांट दीदी?
ये नॉन स्टॉप रो रहा है, उसको चाहिए कि उसको जाना है स्कूल. यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल, यू वॉन्ट टू गो दीदी पास. अब कैसे लेके जाऊँ बताओ इसको, स्कूल जाना है. मेरे को ऐसे बंद करो, जैसे मैं दरवाजा बंद करता हूँ ना वो रोने लग जाता है. ये देखो टिक्की, हाँ बेटा हाँ चल रहे चल रहे. मेरे को ना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, ऐसे ही बंद करना पड़ेगा और रोते हुए लेके जाना पड़ेगा. वैसे ये आया आज ऐसे ही साथ में, ये लेट उठा था तो हमने कहा चल मैं इसको लेके चलता हूँ, बाद में छोड़ दूंगा इसको, ये भी चलेगा दीदी को छोड़ने के लिए. लेकिन अभी ऐसा रो रहा है कि पूछो मत. स्कूल स्कूल स्कूल, वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था लिटरली. मैंने कहा कि यार इसको तो एक बार स्कूल लेके जाना पड़ेगा. इसके पास ना जूते थे नहीं, क्योंकि इसको ऐसे ही बिठा दिया था मैंने सुबह गाड़ी में जब टूटू को छोड़ने आया था. हम लोग घर गए, फिर से जूते लिए एंड अब वापस स्कूल आए हैं हम लोग यहाँ पर खेलने के लिए. स्कूल देखो पूरा खाली पड़ा है, कोई नहीं है, खाली इसने आना है. हाँ, और इनफैक्ट मैं ये भी भूल गया था कि घर गए थे तो हम लोग ना इसका जैकेट ले आते थे. वैसे इतना ठंडा नहीं है, अच्छा मौसम है आज. आज का वेदर ऑलमोस्ट 24-25 डिग्री तक जाएगा. एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल आज के दिन पे नवंबर 5th को इतना प्यारा वेदर है. बिकॉज नवंबर में यूजुअली ये वेदर मिलता नहीं है हमको. हवा चल रही है नो डाउट, जो आपको ऑलरेडी आवाज आ ही रही होगी, बट इट्स गुड. इट्स मतलब ऐसे जरूरत नहीं है जैकेट की. लेकिन उसको अभी मैंने दीदी का जैकेट पहना दिया बिकॉज वी रियलाइज, क्योंकि टूटू भाग भाग के गई ना, वो भूल गई अपना जैकेट ले जाना. वो नहीं, ये गेट के पास आके खड़ा हो गया. ही इज लाइक आई वांट टू गो टू स्कूल. आपको स्कूल जाना है? कितना एक्साइट हो रहा है वो. जब टाइम आएगा ना स्कूल जाने का तब देखेंगे कितना एक्साइट होता है वो. आई कांट ओपन द डोर टिक्की. आई कहा मुझे बोल रहा है डोर ओपन करने. आई कांट ओपन द डोर. आई कैन नॉट. इट्स नॉट अलाउड. जो गर्म होने लग गया उसने जैकेट उतार के मेरे हाथ में दे दिया और वो ट्राई कर रहा है दरवाजा ओपन करने का. टिक्की नहीं जा सकते बच्चे. ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं. वहां का गेट नहीं खुला ना तो वो इस तरफ आ गया. यहाँ पर भी ये सब क्लासरूम्स है, यहाँ पर अंदर जाने का ट्राई कर रहा है. ये देखो इसको. इतना नॉटी हो गया ये लड़का. टिक्की आपको जाना नहीं है घर पे, डे केयर नहीं जाना है. हाँ चलो. ओहो हो भाई, 15 मिनट का जतन और ये लालच देना पड़ा तब जाके ये माना कि ठीक है भैया घर आ रहे हैं. खैर 15 मिनट उसने खेला, अच्छे से भाग दौड़ कर रहा था, एक दूसरे क्लास में जाने का ट्राई कर रहा था. ऑफकोर्स उसको जाने मिलेगा नहीं, बट वो एक्साइटमेंट जो था ना उसका, कितना जबरदस्त एक्साइटमेंट था स्कूल जाने के लिए. जैसे मैं बता रहा था अभी है, बाद में पता नहीं होगा या नहीं होगा. एंड आई थिंक मेरे को लगता है तीर्थ का ना हम लोगों ने एक चीज नोटिस की है जो बहुत स्ट्रांगली हमको लगता है. तीर्थ ऐसा बच्चा है ना, आप उसको घुमा नहीं सकते हो. उसके दिमाग में अगर कोई चीज आई ना, आप उसको वो करा लोगे ना अगर, आई थिंक विद इन 5 मिनट्स वो मान जाता है. अगर हम उसको यू नो वी वांट टू टॉक हिम आउट ऑफ दैट पॉइंट और दैट टॉपिक या जो भी वो कर रहा था उससे. और लिटरली ऐसा लगता है कि किसी एक बड़े इंसान के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो. जैसे अभी जैसे स्कूल में उसने जाने की जिद की, जब तक मैं उसको ले नहीं जाता था वो बहुत रोता था और वो भूलता नहीं था. और जब मैं उसको ले गया स्कूल, वहाँ पे 5-10 मिनट खेलने के बाद मैंने उससे बहुत ही प्यार से कॉन्वर्सेशन किया. मैंने कहा चलो टिक्की चलते हैं, आपको मैं ये दूंगा घर पे, अभी घर चलते हैं, मम्मा को उसको ऑफिस छोड़ने जाना है वगैरह वगैरह. एंड ही अंडरस्टूड एंड उसने एक बार में चल दिया साथ में. वो आई थिंक एक बहुत बड़ा एक हमने ऑब्जर्व किया है टिक्की के साथ, जो आई थिंक टूटू के साथ ऐसा नहीं होता था. नहीं, उसको थोड़ा डाइवर्ट करना, उसको थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ता है मुझे लगता है. हाँ, उसको लाइक वो इस एक्सपीरियंस ऑफ बोथ अदर लाइक डिफरेंट वैरायटी ऑफ किड्स राइट. आई एग्री. सो बोथ आर डिफरेंट, वी आर लर्निंग विद बोथ. चलो सही बढ़िया है. और वैसे देखो आंचल का लुक देख लो भाई, आंचल आज ऑफिस जा रही है, क्या बात है, लेट हो रहा है. और आंचल को आज ऑफिस छोड़ने में जा रहा हूँ इसलिए कि यूजली तो वो गाड़ी ले जाती थी लेकिन मुझे गाड़ी की जरूरत है, क्योंकि तीर्थ के डे केयर से कॉल आया और उन्होंने बोला कि इसको आज नॉर्मल टाइम पे नहीं 11 बजे छोड़ो, क्योंकि जो डे केयर वाली लेडी है उसका कोई अपॉइंटमेंट था. तो उस वजह से गाड़ी मेरे को लगेगी कि मैं इसको बाद में छोड़ने जा सकूं. चलो बाय. आज लगता है हमने टूटू को भी छोड़ा और तुमको भी छोड़ने आए हम लोग आज. हाँ मेन तो तीर्थ सबको छोड़ने आए हैं. मम्मा गोइंग ऑफिस टिक्की. अभी ना उसको मम्मा के साथ जाना है ऑफिस. अब ऑफिस थोड़ी भेज सकते उसको. चलो ठीक है, स्कूल में थोड़ा देर खिला लिया मैंने, ऐसे थोड़ी कर सकते कि भैया ऑफिस में भी अभी उसको लेके जाएं. नॉट पॉसिबल राइट. कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर घर पे खेलेंगे इसके साथ, बाद में इसको छोड़ के आएंगे डे केयर, ताकि वहां पर ही अपने फ्रेंड्स के साथ मजे करेगा. आज सुबह की भागदौड़ में लिटरली इतना लेट हो गया कि जैसे टिक्की उठा है तब से डायपर बदलने तक का टाइम नहीं है. अब जाके डायपर बदला है. अरे डायपर छोड़ो, इनफैक्ट उसको ब्रश कराने का भी टाइम नहीं था. आंचल को ड्रॉप करके आने के बाद मैंने सबसे पहले इसको नाश्ता कराया. मैंने कहा चलो ब्रश बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं. और जब मैंने ये किया ना तो मेरे को एग्जैक्टली टूटू की बात याद है कि जब टूटू छोटी हुआ करती थी ना वो हमेशा पूछती थी कि व्हाई डू वी हैव टू ब्रश बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट ईटिंग एनीथिंग, बिकॉज एनी वेज वेज वी आर गोइंग टू ईट और हमारा मुंह तो फिर से या दांत तो फिर से गंदे हो ही जाएंगे. मैंने कहा हाँ यार बेटा ये बात तो सही है, क्यों ना हम फिर बाद में खाना खाने के बाद में ही ब्रश करें कि उसको अच्छे से क्लीन कर ले. देखो मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ ना कि टूटू जो है मेरी इंटेलिजेंट टूटू है, सोचने वाली बात है, आप भी सोचना जरूर इस पे. चलें रेडी. हेलो गाइस, वेलकम बैक
जैसे आपको पता है जब ऑफिस आती हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग सिर्फ वॉशरूम आके करती हूँ, तो मैं वही हूँ अभी, आप लोग को दिख ही रहा होगा पीछे। खैर मैंने लंच खत्म किया है और सुबह से बैक टू बैक मीटिंग्स में मुझे एक मिनट नहीं मिला कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। लंच में जो पोंका ने सैलेड बनाया था इट वॉज सुपर सुपर यार, मैंने उसको जस्ट मैसेज ड्रॉप किया कि बहुत ही टेस्टी था। ऐसा पहले मुझे लगा कि यार थोड़ा लेके आई थी मैं, थोड़ा वेटिंग मोर खैर मेरा पेट भर गया, बट इट वॉज सुपर यम यार, मतलब मजा आ गया। कल के लिए भी उम्र को बोलूंगी वही बनाया मेरे सैलेड, क्योंकि इट वॉज सो नाइस, आई डोंट नो आई कांट एक्सप्लेन बट इट वॉज रियली नाइस। क्या बात है, इतना शानदार सैंडविच, वाओ। देखो आपने देख तो लिया कि आंचल ने क्या खाया लंच में, उसके लिए तो मैंने सैलड बनाया हुआ था, लेकिन आंचल ने चिकन इतना सारा एक्स्ट्रा बनाया था तो मैंने सोचा कि यार मैं क्या खाऊं, उसने रोटी नहीं बनाई और मैंने खुद उसको बोला कि रोटी वोटी मत बना के जा, मज़ा नहीं आएगा, मैं जो चिकन बनाया था वो इतना टेस्टी था उसका मैं सैंडविच बना के खाऊंगा, तो ये सैंडविच बनाया। आई नो आप वंडर कर रहे हो, मैं सुबह ही बोल रहा था कि हम लोग चिकन खाना शायद बंद कर देंगे और अभी मैं चिकन खा रहा हूँ। अपेरेंटली जैसे मैंने बताया कुछ और नहीं, हम सोच रहे हैं, ऑफकोर्स ये डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है, ये थॉट प्रोसेस को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ थोड़ा थोड़ा चिकन से ऐसा होने लग गया है कि हम लोगों को नहीं खाना है, बट वो भी लगता है ना कि मेरे पास कोई ऐसा ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं मिल रहा है जो वेजिटेरियन में मुझे, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे चिकन 100 ग्राम्स चिकन गिव्स मी 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, वैसा मेरे को अगर वेजिटेरियन ऑप्शन कोई मिल जाए तो मैं 100% शिफ्ट कर जाऊंगा, लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक मैं वही अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ। सो आई नो मैंने आज सुबह ही बताया था, लेकिन अभी के लिए तो मैं ये खा रहा हूँ एंड ये बहुत ही यम लग रहा है। इस पर मस्त एक थोड़ा सा बटर लगा दूंगा ना, इतना टेस्टी लगेगा ना, सब मेल्ट होएगा ना। हाँ हाँ भाई, चलो भाई ये खाना खाते हैं क्योंकि उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है जिसके बारे में आपको बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। चलो यार टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं, ओंकार को मैंने बोल दिया है मुझे पिकअप करने आ जाए, तो वो भी रास्ते में है, ही इज ड्राइविंग राइट नाउ, तो बस मैंने पैक वैक कर लिए, बच्चों को पिक करेंगे फिर घर जाएंगे। ओह वन मोर डे यार, ये जब भी वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है ना तो मैं थोड़ा कैलकुलेट करती हूँ, आज ट्यूसडे खत्म हुआ एक और दिन, तो आई नो वैसे इट्स फन ऑल्सो, क्योंकि आप ऐसा ही सही पहले भी कि आप रेडी होते हो, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। दूसरी चीज़ है कि आप लोगों से मिलते हो तो थोड़ा नेटवर्किंग हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो गुड, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज है। तो सुबह का जो हेवर्क होता है ना उसके थोड़ा सा सेटबैक होता है, बट अदरवाइज आई एम हैप्पी। देखो भाई किसी भी इम्पोर्टेंट काम से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है अपनी बीवी को पिकअप करना, बराबर बात है कि नहीं? नहीं कॉल नहीं था, मेरे को एक काम था, मैंने बताया कि मेरे को सुबह से काम करना है, आज मौसम इतना अच्छा है तो जो काम करना है नहीं किया, वो काम हुआ ही नहीं मेरा। देखो कितना भड़क गई हो, बोलती मेरा काम नहीं हुआ तो भड़क गई हो, ऐसे करते हो तुम अपने पति के साथ, ऐसे करते हो? हाँ इतनी मेहनत करता है तुम्हारा पति, इतना भगवान से बोल के तुम्हारे लिए अच्छा मौसम लाया था कि तुम यूज कर लोगे। नहीं अभी करेंगे, बाकी दुनिया भर के काम तो चलते रहते हैं जी, सही बताएंगे, यहाँ लेट नहीं हो सकता है आदमी। ये हम बच्चों को पिकअप करने आए, ये दोनों इतनी शैतानी कर रहे हैं यहाँ पे, टिक्की ने इसको टूटू को बोलता है इसमें बैठने के लिए और टिक्की को पुश करना है। और आजकल वेदर कैसा है भाई, आज नवम्बर है, अनबिलीवेबल वेदर है ना आज। वही मैं अपने ऑफिस में बात करती, दिस इज कोलीग ऑफ माइन, शी इज लाइक आई थिंक 50 प्लस होगी, उसने कहा है कि ये लाइक आजकल इतना वार्म विंटर्स तो हमने कभी देखे ही नहीं है, दिस इज लाइक नवंबर, इतना वार्म नवंबर नहीं देखा हमने, मतलब या इट्स ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। मैं इसको बताई थी कि इंडिया में वेदर कितना ये हो रहा है बाय दिस टाइम, अभी ठंडी शुरू हो जाती है इंडिया में, true, true. हो ही नहीं रही है गर्मियां है इंडिया में। सो ट्रू यार, यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है ना, लिटरली आज 25 डिग्रीज गया है, मैंने बताया था 24 डिग्री तो जाने ही वाला था, 25 डिग्री गया, देखो ना मैं हाफ स्लीव टी शर्ट में बाहर मस्त खड़ा हूँ, एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स यार। ओ ये क्या लड़का, डरता ही नहीं है यार, अरे बाप रे बिल्कुल नहीं डर रहा ये, ओ माय गॉड क्या खतरनाक लड़का पैदा किया है चलने भाई, की नॉट स्केर्ड। देखो इन्होंने ना पैर अप किए हैं, टूटू उसको स्ट्रेट धक्का मार रही है और ये अनिका इसको स्पिन कर रही है, क्या दोनों, ये देखो देखो बाप रे झूला, मेरे को ऐसा किया होता ना जिस हिसाब से इसको कर रहे हैं मैं तो चल भी नहीं पाया, देखो टेढ़ा चल रहा है, ये चल रहा है ना टेढ़ा थोड़ा थोड़ा, तो इतना गोल गोल घुमाया, मी टू मेरे साथ भी भाई ऐसा हुआ होता मैं भी उल्टी कर दिया होता अब तक, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है वो क्योंकि इतना गोल गोल घुमाया उसको बच्चों ने। ओए वापिस जा रहा है, देखो वापिस जा रहा है, बस एक बटन दबाऊंगा यहाँ पे और एक करके ऐसे हवा मारेगा नीचे और मैं हवा में उड़ने लगूंगा,
नहीं ये उसके लिए नहीं है, ये बेसिकली है पत्ते पिकअप करने के लिए, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या सीन है पत्तों का। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, लुक एट दिस, ये इतने सारे पत्ते यहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर तो देखो पता नहीं क्या है, एक पत्तों का पूरा ढेर पड़ा हुआ है, इधर पर है, एंड ऑफ कोर्स फ्रंट में भी आपने देखा हुआ है, यहाँ पर देखो इतने सारे पत्ते हैं, ये जो पूरा ग्रास है, पूरा साइडवॉक है, पूरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लीन करने का। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो इतने सारे पत्ते पड़े हुए हैं, तो आज इसको साफ करेंगे, बिकॉज जैसे मैंने बताया मौसम बहुत बढ़िया है, तो बाहर आउटडोर वाले काम कर सकते हैं। तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है, आज फर्स्ट टाइम टेस्ट करूंगा मैं बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेट्स सी। इतने सारे पत्ते जो आप देख रहे हो, देखो ये वैक्यूम से उठाता है या नहीं उठाता है, क्योंकि मेरे को याद है ये तो चलो इजी तरीका हो गया, लास्ट ईयर आई थिंक केदार था यहाँ पे और हमने ऑलमोस्ट 10 बैग निकाली थी इसकी, और क्या हालत हुई थी हमारी, क्योंकि हम लोग बहुत ठंडी में कैमरा के पीछे से मुंह बना रही है जैसा सेम तीर्थ बनाता है। भाई क्या हालत खराब हो गई, पता है ये हाथ दर्द हो गया है मेरा, लिटरली ये हाथ पता है क्यों दर्द हुआ, क्योंकि एक तो वो नाक में इतना सारा मिट्टी उड़ के जा रहा है ना वो अंदर वो बड़ा अजीब सा लग रहा है, सो ये हाथ जो है मेरा दर्द हो गया, क्योंकि मैं एक हाथ से पकड़ रहा हूँ पूरे मशीन को और दूसरे हाथ से जो है मैं बैग को पकड़ रहा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है पता है बैग में ना जहाँ पर एक ओपनिंग है जहाँ से आप ओपन करके जितने पत्ते जो इसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसको आप फेंक सकते हो, तो वो वहाँ से लीक हो रहा है, वहाँ से ना जैसे आप वैक्यूम करते हैं तो इतना हवा भर जाता है बैग के अंदर कि वो पूरा जो हवा पुश करता है पूरे कचरे को बाहर, तो जितना आप वैक्यूम कर रहे हो छोटे 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 टुकड़े होके वो बैग में से निकल रहे हैं, तो इस वजह से मेरे को बैग को एक हाथ से ऐसे पकड़ना पड़ रहा है और जो मशीन है जो कितनी हैवी है वो एक हाथ से पकड़ना पड़ रहा है, तो मेरा पूरा फोरआर्म जो है वो इतना दर्द होने लग गया, बहुत पेन हो रहा है, अब मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इतना सेक्शन जो मैंने किया है ये और ये, इसको मेरे को लगा ऑलमोस्ट 15 मिनट, अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना बचा हुआ है, वो कितना कम था, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, इतना सारा है, सब जगह पे है, प्लस यहाँ तो है ही है, ये तो बैकयार्ड होगा, फ्रंट यार्ड में कितना सारा है जो आंचल कर रही है। भाई ओमकर ने आपको ये तो बता दिया कि वो क्या कर रहा है, मतलब बैकयार्ड में ही इज डूइंग दैट ब्लोइंग, वो क्या सक्शन ऑफ कर ये जितने भी लीव्स गिरे हुए हैं फॉल के, और ये भी दिखा दूं कि मैं भी यहाँ पे ये जो फ्रंट यार्ड में हमारे इतने सारे जो लीव्स पड़े हैं उसको मैं ये रेक से इकट्ठा कर रही हूँ, तो मैं इकट्ठा करके एक बंच बना के रख दूंगी, ऐसे पाइल अप करके रख दूंगी, तो 2-3 पाइल बना दूंगी, एंड देन उसी जो मशीन है उसी, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, उससे फिर वो उठा लेगा, टीम वर्क है किन से, तो चलो मैं भी ये काम करती हूँ, मैंने कहा दिखा दूं भाई मैं अभी काम कर रही हूँ, जितना मौसम अच्छा है लेकिन हवा भी बोली मैं अभी चलूंगी, तो जितना इकट्ठे करके पाइल रख रहे हैं उतना ही यहाँ पे हवा चल गई और वो उड़ उड़ के यहाँ आ जाए, इतना गुस्सा आ रहा है ना इस समय क्या वो रुक नहीं सकती क्या, थोड़ा देर देखो मैंने अभी तक एक वहाँ पे पाइल बना दिया है, एक यहाँ पे पाइल बना दिया है, एक ये पाइल बना दिया है और एक यहाँ पे एक बना रही हूँ मैं, तो अभी तक 4 पाइल इकट्ठे कर दिए खाली ये छोटे से फ्रंट यार्ड में, अभी वो वाला साइड पूरा बचा हुआ है, तो ये एक दिन का काम नहीं है भाई, इसको टाइम लगता है, अब आ रही ये साइड और ये हमको करना है, जैसे कि वो स्नो करते हैं ना एंड तक जितना जहाँ तक हमारी फेंसिंग है, तो ये बहुत बड़ा है यार प्रॉब्लम, मतलब कॉर्नर हाउस के कुछ एडवांटेजेस भी हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो बीच वाले घर हैं ना उनमें उनको खाली अपना थोड़ा सा फ्रंट यार्ड, बहुत छोटा छोटा फ्रंट यार्ड होता है उतना ही करना पड़ता है, हमें कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है, और प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे इधर ट्रीज भी बहुत हैं, इट्स अ गुड थिंग नो डाउट, बट ट्रीज बहुत हैं जो पूरे शेड करते हैं, और देखो ना यार पूरे ऑलमोस्ट खाली खाली हो गए हैं ट्रीज, अभी ये पूरा बचा हुआ है, मतलब पूरा नहीं, आई थिंक 50% अभी बचा है, तो ये आज खाली ख़त्म नहीं होने वाला है, ये और गिरेगा, इसलिए मैं अंकल को बोल रही थी बता स्टार्ट से ही कि थोड़ा करते जाओ, एवरी वीकेंड करते जाएंगे तो कम पड़ेगा, इतना देख के डर जाता है इंसान कि भाई कैसे होएगा ये। 4 बजे शुरू किया था, 6:30 बजे है, मतलब जिंदगी के मेरे 2.5 घंटे कहाँ चले गए कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा है पता है ये शोल्डर जो है इतना ज्यादा दर्द कर रहा है, यहाँ पे जो फ्रंट यार्ड था जो आंचल ने पूरा बनाया हुआ था वो हीप्स बनाए थे वो सारे क्लियर कर दिए मैंने इस साइड के, लेकिन अगर आप देखोगे दूसरे साइड के जो दूसरे साइड है हमारा, यहाँ पर ही देखो ऐसे हीप्स अभी भी पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है,
एंड यहाँ पर तो काफी कुछ पड़ा हुआ है, ये तो पूरा साइड पड़ा हुआ है। बैकयार्ड में मैंने यहाँ पे तो जो था वो क्लीन कर दिया, ये वाला साइड पूरा क्लीन हो गया। उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो हमारा काउच है, सेक्शनल सोफा या जो भी बोलते हैं इसको, पड़ा रहता है पैटियो फर्नीचर जो पड़ा रहता है, उसके साइड का भी मैंने यहाँ पर भी देखो क्लीन कर दिया। वहां पर अगर आप देखोगे ना, ये साइड में अभी भी काफी सारा पड़ा हुआ है। लुक एट दिस, मतलब सोचो कि मैंने 2.5 घंटे लगा दिए हैं और 2.5 घंटे लगाने के बाद में भी आई वुड से सिर्फ 40% या 50% हुआ रहेगा, अभी तो 50% और बचा हुआ है। एंड आपको मजे की बात बताऊं, ऊपर अगर आप पेड़ देख रहे हो ना, ये सारे अभी भी पत्ते पड़े हुए हैं, इसका मतलब अभी और झड़ेंगे ये एंड और ज्यादा काम करना पड़ेगा। अचल क्या हाल है भाई, तुम्हारा क्या हाल है? मेरा ये बाजू इतना दर्द कर रहा है ना, उसको रेक कर करके तो मैं मुझे पार्शियल थोड़ा करते जाओ तो टाइम इतना नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं है यार, टाइम लगता है, दूसरों के पत्ते हमारे घर पे उड़ के आ ही जाते हैं फिर भी, या हमारे पत्ते कहीं और उड़ के आ जाते हैं। आई स्वेयर यार, चलो एनी विच वेज यार, आज के वीडियो को यही करते हैं एंड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट टू डू, इसे लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर करें आप अपने किसी भी एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ। कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, कुछ क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड गेट अप, ओ स्टे फेस, अच्छा हाँ, प्लीज टेक केयर एंड स्टे फेस, स्टे सेफ, स्टे सेफ। भूख इतनी जोरदार लगी है ना खाने में, दाल बना रही हूँ, बहुत भूख लगी है।